बदतमीजी नहीं चाय है। अरे चाय तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे शीश आसन में दखल क्यों दिया? सरकार मैंने बहुत से आसनों के नाम सुने हैं, लेकिन ये शीर्षासन क्या है? अरे कम्बक तू क्या जाने शीर्षासन क्या होता है, ये हमारे जैसे नौजवानों का शौक है। जी अजीब शौक है ये। सुन रखा था कि एक जानवर ऐसा है जो रात को उल्टा लटका रहता है। मकरदट जी, तुम मेरा मुकाबला चमगादड़ से कर रहे हो? अबे गधे, तुम नहीं जानते कि ये शीश आसन ऋषि मुनियों का दिया हुआ वरदान है। जब मैं जवान था तो मतलब है कि आप बुड्ढे हैं। नहीं रे, सलामत रहे जवानी, बुढ़ापा अभी कोसों दूर है। मेरा मतलब है जब मैं नौजवान था तो हर रोज 101 दंड सुबह सुबह ही पीलता था और 51 मुग्दर घुमाता था। उसके बाद 3 घंटे यानी कि 180 मिनट शीश आसन निकालता था और उसके बाद 1.5 सिर गाय का दूध, 1.5 सिर भैंस का दूध और पाव भर बकरी का दूध, यानी कि कुल मिलाकर 3.25 सिर दूध एक ही घूंट में पी जाता था। मालूम है दूध के साथ में क्या खाता था? उधर क्या खाते थे? अरे गधे, वर्दिश के बाद चाय नहीं देते, रखते यहाँ, वर्दिश के बाद बादाम खाते हैं। मैं भी दूध के साथ 101 मगजे बादाम सिल्पर पीस कर, वो भी सफेद रंग की सिल्पर, काले पत्थर से पीस कर खा जाता था। लेकिन हुजूर, इतनी खुराक तो जिन भूतों की भी नहीं होती, आदमी खाए तो बदन फट पड़े। बदन फट पड़े? अरे कम्बक तो बिल्कुल ना समझ है, यानी कि बच्चा है, अकल का कच्चा है। नामराद, उस वर्जिश का ये नतीजा था कि मैंने 18 बरस की उम्र में दुनिया भर के पहलवानों को चारों चारों चित गिरा दिया। मालूम है किस किस को? तुर्किस्तान के मिर्जा अबू बेग को, इंग्लिस्तान के डाउन जबिस्को को, क्योरिया के वो क्या नाम है किंग कांग को, मंचूरिया के मिंग मांग को और पर्शिया के पिंग पांग को, सबको मैंने पकड़ पकड़ कर हलाल कर दिया और जान से मार दिया। और उसके बाद आया वो कौन आया? अरे वो आया ऐसे, मैं आया ऐसे। उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा, मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखा, मैंने गर्दन को ऐसे झटका दिया, उसका हाथ इधर, उसने गर्दन को झटका दिया, उसकी गर्दन उधर। नाम तो बताइए। अरे पूछो नहीं, मैंने उसको सर से पकड़ा और उसकी गर्दन को नीचे दबोच दिया, उसके ऊपर अपना घुटना रख दिया और फिर ऐसे उल्टाया, वो बड़ाक से उल्टा और ये हड्डी टूट गई उसकी। नाम तो बताइए। अरे पूछो नहीं, उसके बाद वो उछलता हुआ मेरी तरफ पड़ा और मैं भी ऐसे ऐसे उसकी तरफ पड़ा। मैंने जाकर उसके बाल पकड़ लिए, जोर से खींचे, सारे बाल मेरे हाथ में, वो गंजा हो गया। नाम तो बताइए। अरे उसका नाम था तारा। Yeah!
फिर एक से गुणो सात फिर एक से गुणो और बकरी का दूध लाओ। अरे मेरा सांस बोल रहा है, हलक सूख रहा है, तुम्हें दूध की पड़ी है, पानी ला पानी। हुजूर 101 मगज बादाम के लाओ। ए मकरध्वज, 101 बादाम खिला के बुड्ढे की जान लेना चाहता है? ये क्या तमाशा बना रखा है? घर है ये कुश्ती का अखाड़ा? अरे ओ फुलझड़ी, ज्यादा टर-टर ना कर, ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं। अरे जा जल्दी पानी ला। हाँ मकरध्वज, बाल्टी भर के पानी इसको पिला दे। दिस हाउस इज रियली अ म्यूजियम।